सो हेलो गाइस, आज हमारा जो व्लॉग फर्स्ट व्लॉग जो शूट हो रहा है वो मैं जा रहा हूँ पुंछ से जम्मू। तो सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, ऐसे ही चेक करने के लिए। गाड़ी स्टार्ट करनी थी पहले, तो ये गाड़ी की कंडीशन है, ऐसे लग रहा है कि सदियों से धोई नहीं है, क्योंकि रोड के साइड पर खड़ी रहती है तो ऐसे ही रहेगी, धूल मिट्टी भरी रहती है। तो सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं, तो हम शुरू करने लगे हैं अपना सफ़र। आप इंजॉय कीजिए रास्ते के व्यूज़ अच्छे अच्छे और साथ में सॉफ्ट म्यूज़िक। तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब हम बीजी पहुंच जाएंगे, हम रजौरी क्रॉस कर लेंगे। ये जो हमारा ब्रिज है इसे क्लाई ब्रिज कहते हैं। ये चंडक में बना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अभी 3-4 साल हुए हैं और इससे हमारे चंडक की ब्यूटी और बढ़ गई है। पहली बार नोटिस ये ट्रेंड के हिसाब से। सो गाइस, आपने इंजॉय किया अच्छे अच्छे व्यूज़ हमारे बीजी के, बीजी का जिसका नाम है बिम्बर गली। तो अब हम आ चुके हैं बिम्बर गली से आगे एक ढाबे पे, जहाँ पे हमने कुछ चाय वगैरह पीनी है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि 2 घंटे लग चुके हैं हमें यहाँ लगातार ड्राइव करते करते। तो हमें यहाँ गाड़ी पार्क की साइड पे और चाय वगैरह पी, थोड़ा सा नेचर को इंजॉय किया। तो फिर हम इसके बाद फिर से अपने सफ़र पे निकल चले आगे। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं राजौरी, द लैंड ऑफ किंग्स, जिसके नाम से राजौरी का नाम मशहूर है। यहाँ पे आपको रोड की हालत दिख ही रही होगी कैसी है, और यहाँ जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और हम कम से कम 40 मिनट यहाँ जाम में भी फंस गए थे। ये जो ब्रिज का रास्ता है ये बाज़ार की ओर जाता है, और हम बाईपास निकल के सीधा
जम्मू की ओर, यहाँ से जम्मू 140 किलोमीटर शूट कर रहा हूँ, जो कि अभी भी हमारे लिए बहुत दूर है क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है। ये था वो जाम जहाँ पे हम फंसे रहे, काफ़ी टाइम हमें लग गया यहाँ पे। और अब अभी आप रोड की हालत देख सकते हैं, यहाँ इस रोड पे चलते चलते एक ही बात याद आ रही थी कि क्या बवासीर है ये रोड, ये रोड है क्या बवासीर है, वही मेन जो बार बार याद आ रहा था। काफ़ी टाइम लग गया हमें इस रोड से निकलते निकलते, तो बस इसके आगे ही मेरी नानी का घर आता है जहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, ब्रेकफास्ट किया, तो आपको मैं वहीं पे सीधा ले चलता हूँ। सो गाइस ये आ गया हमारा हवेली रेस्टोरेंट, मैंने एक ही बार यहाँ खाया है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बर्गर खाया था मैंने यहाँ पे एक बार, बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। रिव्यू तो नहीं देना चाहता मैं रेस्टोरेंट को, बट चलो कोई नहीं, साथ में ही मेरे नानके हैं यहाँ पे, नानी का घर है, मामू का घर है, वहाँ हम रुकेंगे। मेरे साथ मेरे जकी सर थे, मेरे कलीग, तो आओ यहाँ पे आपको ले चलते हैं अपने नानी के घर। गाड़ी पार्क की साइड पे और हम आ गए अपनी नानी के घर। ये वन ऑफ माय फेवरेट जगह है जहाँ पे मेरा बहुत मन लगता है। नानी के घर में हम एंटर हुए बट नानी घर में बड़ी कॉमन है, नानी डॉक्टर को दिखाने गए हुए थे। ये है यहाँ का व्यू, ये साहिल इसको आप जानते होंगे, मेरा कजन। और फिर हम यहाँ से दोबारा निकल चुके ब्रेकफास्ट करके, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको आगे आधे रास्ते में। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए ये सड़क, ये रास्ते, बुरे हाल। सो गाइस जब हमने नौशहरा क्रॉस किया, उसके बाद की जो रोड थी सुंदरबनी तक, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी, जहाँ पे हमें लगे सिर्फ 30 मिनट। नौशहरा से सुंदरबनी पहुँचते वहाँ पे मैंने जकी सर को ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनका घर वहाँ पे था। फिर उसके बाद मैं अकेला तय किया सफ़र सारे का सारा जम्मू तक, और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था नौशहरा से सुंदरबनी तक। जो इन बादल का जो पैटर्न बना हुआ था वो बहुत प्यारा लग रहा था, हमने इसे बहुत एंजॉय किया। मुझे कह रहा था राजल रहता हूँ। उसके बाद रोड की फिर से वही हालत, वही खस्ता हालत, और फिर बार बार एक ही बात याद आ रही थी, वही जमीन मैंने आपको बता दिया था पहले। बट चलो जाना तो था ही, हम चलते रहे इसी सफ़र पर और इसी रोड पर हम आगे बढ़ते रहे। सो गाइस कुछ देर बाद मैं पहुंच चुका था अखनूर। ये जो रास्ता थोड़ा सा आया है, आज तो मैंने यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं है, बट ज़्यादातर टाइम मैं यहाँ पे चाय पीता था या कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेता था। सो गाइस मैं पहुंच चुका था अखनूर ब्रिज पे, यहाँ से अब मुझे जम्मू कुछ ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था। यहाँ पहुँच के एक सुकून सा मिलता है कि चलो अब जम्मू दूर नहीं है, अब हम जम्मू पहुँचने वाले हैं। ये है हमारा रिवर जिसके ऊपर ये चंद ब्रिज जो है कंस्ट्रक्टेड है सारे का सारा। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको हर एंगल से दिखाने की। तो गाइस अब आगे का आप थोड़ा सा व्यू इंजॉय कीजिए, फिर हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
तो गाइस मैं फाइनली मुट्ठी पहुंच गया था। यहाँ से मुझे दो रास्ते दिख रहे थे, एक तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर था और एक पुराना वाला रास्ता था, बट मुझे अपने काम थे कुछ देख दो, तो फिर मैं फ्लाईओवर से नहीं जा पाया, इसलिए मैंने पुराना वाला रास्ता लिया और मैं नीचे से चला गया। फिर मैंने अपने जो काम थे वो ख़त्म किए, एक डेढ़ घंटा लग गया मुझे वो काम ख़त्म करते करते, तो फाइनली उसके बाद मैं घर पहुँच चुका था, वो भी आपको मैं लास्ट में दिखा देता हूँ। मैं जम्मू पाम आइलैंड के पास पहुंच चुका था। मैं रिहाड़ी बोर्ड से होता हुआ बक्शनगर से नीचे आया, नीचे फिर पाम आइलैंड से मैंने यू टर्न लेके तो दापतलों की तरफ चला गया। रास्ते में मैंने नेस्कैफे देखा, मुझे भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ। यहाँ से खा पी के फिर मैं निकल पड़ा घर को। घर पर जब पहुँचा, अपनी गली में एंटर हुआ, तो फिर से वही रोड, फिर से वही चीज़, ये रोड ही बवासीर है। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका था, तो उसके बाद मैंने रेस्ट करनी है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।